सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक और हॉरर फिल्म के बारे में और उस फिल्म का नाम है द कर्स ऑफ लाला रोना। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हॉरर फिल्म के यूनिवर्स में फिलहाल तो अभी क्या चल रहा है। लोग हॉरर फिल्म्स के काफी दीवाने हैं और एक बार फिर न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स की तरफ से एक और हॉरर फिल्म आ रही है और फिलहाल तो इस फिल्म का ट्रेलर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म के ट्रेलर को सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट में दिखाया गया है। और अब बात की जाए इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी, यानी अभी फिलहाल तो इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा टाइम है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल, जिन्होंने इसके पहले अभी तक तो कोई भी बड़ी फिल्में नहीं बनाई है, तो एक हिसाब से ये माइकल की पहली फिल्म है। लेकिन सच में जिस किसी ने भी इस फिल्म का ट्रेलर उस इवेंट में देखा है वो लोग बहुत डर गए हैं, क्योंकि इस फिल्म का टीजर काफी डरावना था। और कास्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में इतनी बड़ी कास्टिंग तो अब तक सामने नहीं आई है, सिवाय फिल्म के तीन एक्टर के, एक है सैन पैट्रिक, दूसरे रेमोन और तीसरी लिंडा कैडिनी, जिन्हें हमने इसके पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था और उस फिल्म में वो हॉकाई की वाइफ थी। और अब बात की जाए इस फिल्म के छोटे से प्लॉट के बारे में, तो इस फिल्म की स्टोरी है मैक्सिको के मैक्सिकन फोल्क लोरो की, जिसे हमने इसके पहले कोको फिल्म में देखा था। ये एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये कहानी एक औरत की है जो बहुत ही डरावनी और बहुत ही अजीब दिखती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मारना है। अब इससे ज्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि ये फिल्म रीमेक है द कर्स ऑफ द क्राइंग वुमेन की, जो आई थी 1961 में। तो जब इस फिल्म का टीजर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि असल में इस फिल्म की स्टोरी क्या है और हमें क्या नया देखने मिलने वाला है इस हॉरर फिल्म में। और एक बात जो क्लियर नहीं की गई है कि ये फिल्म कॉन्जरिंग के यूनिवर्स से कनेक्ट है या नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये वही स्टूडियो है जो कॉन्जरिंग जैसी फिल्म को बनाता है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।